दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दोस्तों पहली खबर में देखिए, बिहार में एक दिन में डेंगू के रिकॉर्ड 674 मरीज मिले हैं। इसमें अकेले पटना में 436 केस सामने आए हैं। जी हां देखिए, बिहार में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में बिहार में सबसे अधिक रिकॉर्ड 674 मरीज मिले हैं। वही देखिए, इसमें सबसे ज्यादा पटना में 436 मरीज मिले हैं। पटना में ही डेंगू मरीजों की संख्या 4129 हो गई है। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि पटना के 3 अस्पतालों में भी जांच में पीएमसीएच में 144, एनएमसीएच में 57 और IGIMS में 37 मरीज मिले हैं। वहीं 107 ऐसे पॉजिटिव मरीज हैं जिनका पता ही उपलब्ध नहीं है। वहीं देखिए कई ऐसे मरीज भी हैं जो दोबारा जांच कराने पर उन पे डेंगू पॉजिटिव निकल रहा है, जिसमें 5 दिन से 1 सप्ताह का समय लग जा रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बीपीएससी ने बदल दिया है परीक्षा पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग हुआ शुरू। जी हां देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने गुरुवार को यह घोषणा किया है कि बिहार लोक सेवा आयोग अपने परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने जा रही है। वही देखिए, यह बदला हुआ पैटर्न आगामी परीक्षा से लागू किया जाएगा, यानी जनवरी 2023 में होने वाली 68वीं बीपीएससी परीक्षा में छात्रों को बदले हुए पैटर्न पर परीक्षा देना होगा। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 150 अंक की बजाय 200 अंक के होगा। वह देखिए, इसके साथ ही कठिन सवालों का सेट अलग से तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही अब अभ्यर्थी तुक्का मार कर सफल नहीं हो सकेंगे। परीक्षा में अभ्यर्थियों को पूरी जानकारी होने पर भी बेहतर अंक मिलेगा। वह देखिए, अब बीपीएससी की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। बीपीएससी 68वीं सहित सभी पीढ़ी परीक्षाओं में यह नियम लागू होंगे। वही देखिए, बीपीएससी की सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में 50 प्रश्न स्टार मार्किंग वाले होंगे। वही अब 50 सवाल अन्य सवालों के अपेक्षा थोड़ा कठिन होंगे। इन प्रश्नों का सही जवाब देने पर अभ्यर्थियों को दोगुना अंक मिलेंगे। गलत जवाब देने वाले अभ्यर्थियों के सही प्रश्न के जवाब में मिलने वाले अंक से भी कटौती की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 5 दिनों के अंदर तापमान में आएगी गिरावट। पछुआ हवा के कारण बढ़ रही है ठंड, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा। जहाँ देखिए, बिहार में मानसून काफी तेजी से बदल रहा है। प्रदेश से मानसून के पूरी तरीके से लौट जाने के बाद राज्य भर में बारिश का सिलसिला थम सा गया है। वही मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के मौसम शुष्क बने के रहने की संभावना है। वही बता दें कि मौसम विभाग के द्वारा अगले 5 दिनों तक पछुआ हवा का प्रभाव जारी रहने की संभावना जताई है। वही देखिए, पछुआ हवा चलने के कारण से राज्य का मौसम सुस्त हो गया है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी है। वही आपको बता दें कि पूरे राज्य भर में मौसम काफी तेजी से बदल रहा है। ऐसे में दिन में वातावरण में गर्मी रहती है, लेकिन वही दिन ढलने के बाद अचानक से तापमान में गिरावट होना शुरू हो जाती है। वही देखिए, देर रात को पंखे भी लोगों को ठंड का एहसास कराते हैं। वही आपको बता दें कि बिहार में पिछले दिनों हुए तेज बारिश के चलते कोसी और गंडक नदी उफान पर है। वही अब गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों से गंगा के जलस्तर में दर्ज की जा रही है। बड़ी खबर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली पर 10 लाख का नौकरी का तोहफा देने जा रहे हैं। जहां देखिए, केंद्र सरकार अगले 1.5 साल में यानी दिसंबर 2023 तक 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धनतेरस के मौके पर यानी कि शनिवार को रोजगार मेला अभियान शुरुआत करेंगे। वही देखिए, मोदी कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस से युवाओं को संबोधित भी करेंगे। वही आपको बता दें कि मोदी ने इस साल जून में मंत्रालयों और विभागों में खाली पड़े पदों की समीक्षा की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया था कि सरकार अगले 1.5 साल में यानी 2023 तक दिसंबर तक 10 लाख नौकरियां मुहैया कराएगी। वही देखिए, धनतेरस के मौके पर 75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। वही आपको बता दें कि 38 मंत्रालयों विभागों में नए कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। बड़ी खबर में देखिए, CTET परीक्षा दिसंबर में संभव, 31 से ऑनलाइन आवेदन शुरू। परीक्षा 20 भाषाओं में 24 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जी हां देखिए, CBSE की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2022 के लिए अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर तक किया गया, वही फीस का भुगतान 25 नवंबर तक किया जा सकता है। वही देखिए, परीक्षा की तिथि व सेंटर की जानकारी स्टूडेंट के एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी। परीक्षा 20 भाषाओं में होगी। CTET के पेपर 1 में भाग लेने वाले सफल उम्मीदवार कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, जबकि पेपर 2 में बैठने वाले सफल अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होने वाले शिक्षक भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। वहीं स्टूडेंट अधिक जानकारी CTET.NIC.IN पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में दिवाली के बाद सिहरन बढ़ेगी। जहाँ देखिए बिहार में मौसम शुष्क बना हुआ है। राज्य भर में उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव है। अभी इसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे है। इसके प्रभाव से राज्य भर में तापमान नियंत्रित रहा है। अगले कुछ दिनों में इसका प्रभाव और बढ़ेगा। वहीं देखिए अगले 3 दिनों तक दिन के तापमान में विशेष गिरावट नहीं आएगी, लेकिन रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक नीचे आ सकता है। इस वजह से रात में और सुबह में ठंड का सिहरन थोड़ी और बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें कि प्रमुख शहरों में आसमान सामान्यतः साफ रहेगा, लेकिन दिवाली के बाद ग्रामीण इलाकों में सुबह और शाम में धुंध बढ़ने के आसार है। बड़ी खबर में देखिए, पटना गया मुजफ्फरपुर सिवान में हवा खराब, बेगूसराय में प्रदूषण सबसे बदतर। जहाँ देखिए बिहार में ठंड के मौसम के दस्तक के साथ सुबह की वायु गुणवत्ता की स्थिति बदतर होती जा रही है। दीपावली और छठ महापर्व से पहले राजधानी पटना समेत बिहार के कई बड़े शहरों में एयर क्वालिटी गिर रही है। वहीं देखिए कई शहरों की वायु गुणवत्ता पिछले 24 घंटे में खराब रही। वह सबसे बुरा हाल बेगूसराय का है, जहां AQI 316 चला गया। वहीं फिर सिवान जहां 300 दर्ज किया गया। आपको बता दें कि पटना गया, भागलपुर, सहरसा, समस्तीपुर में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक काफी खराब दर्ज किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब नहीं होगी खाद की किल्लत, बरौनी कारखाना में शुरू हुआ उत्पादन। जी हां देखिए, बरौनी खाद कारखाना से यूरिया का उत्पादन मंगलवार की देर रात से शुरू हो गया है। जैसे यूरिया का उत्पादन शुरू हुआ, कार्यरत कर्मी व अधिकारी खुशी से झूम उठे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड यानी हर्ल के मार्केटिंग विभाग की ओर से उत्पादित यूरिया को बुधवार को डिस्पैच भी किया गया है। वहीं देखिए कारखाना से यूरिया का उत्पादन शुरू होने के बाद से ही हर्ल प्रबंधन की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को उद्घाटन के लिए अनुरोध भी भेजा जा चुका है। बहुत जल्द ही कारखाना का उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होने की उम्मीद है। आगे बड़ी खबर में देखिए, दिवाली से लेकर छठ पूजा तक इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, जल्द निपटा ले अपने जरूरी काम। यह देखिए इस साल अक्टूबर का महीना अपने साथ कई त्योहार को साथ लेकर आया है। इस महीने में कई त्योहार पड़ रहे हैं, ऐसे में कई सारी छुट्टियां भी एक साथ ही पड़ रही है, जिनमें बैंक की छुट्टियों के नाम भी शामिल है। इस कड़ी में अब आगामी कुछ दिनों के अंदर बैंकों में दिवाली, काली पूजा और छठ पर्व की छुट्टी होने वाली है। ऐसे में अगर आप भी बैंक से जुड़े जरूरी काम को करने की सोच रहे हैं तो बैंक हॉलीडे लिस्ट देखकर उन्हें फटाफट निपटा ले, नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि बिहार में 22 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक बैंक बंद रहने वाले हैं। दरअसल 22 अक्टूबर को चौथा शनिवार है, उसके बाद 23 अक्टूबर को रविवार है और 24 अक्टूबर को काली पूजा और दीपावली पर बैंक बंद रहेंगे। वहीं इसके बाद बैंक वापस से 25 अक्टूबर को खुलेगा, लेकिन कुछ दिन काम होने के उपरांत छठ पूजा की छुट्टी शुरू हो जाएगी। वहीं 23 अक्टूबर में छठ पूजा को लेकर भी बैंक बंद रहेगा। आपको बता दें कि पूरे माह में बिहार में 20 दिनों की बंदी रहेगी। बड़ी खबर में देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9,476 स्वास्थ्य कर्मियों को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। जी देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 9,476 नव नियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों के नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के तहत संचालित राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से नियुक्त होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों में 8,500 ANM, 580 स्वास्थ्य समन्वय सहित प्रखंड सामुदायिक मोबिलाइजर, प्रखंड अकाउंट मैनेजर सहित विभिन्न पद के चयनित कर्मी शामिल है। वहीं सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि NHM के तहत इन कर्मियों की संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है। खबर में देखिए, बिहार में धनतेरस पर शाम 5:15 से रात 2 बजे तक खरीदने का योग बन रहा है। जी देखिए, इस वर्ष धनतेरस में शाम 5:15 से रात 2 बजे तक खरीदारी का योग बन रहा है। 22 अक्टूबर को धन्वंतरि जयंती अर्थात धनतेरस मनाया जाएगा। वहीं दीपावली इस वर्ष 24 अक्टूबर को पड़ रहा है। वहीं देखिए ज्योतिषाचार्य PK योग कहते हैं कि इस वर्ष दीपावली बिहार वासी हस नक्षत्र, चेतन नक्षत्र और विश्व कुंभ योग में मनाएंगे। बिहार में मोबाइल व ईमेल पर भेजे जाएंगे चरित्र प्रमाण पत्र। जी हाँ, बिहार में चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली परेशानी को दूर करने के बाद प्रमाण पत्र लेने के लिए भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही कि आवेदक द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चेतन प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई थी। इसमें चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की पूरी व्यवस्था की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव ने आवेदक के निर्बंधित मोबाइल नंबर और ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
देखिए बिहार बोर्ड ने जारी किया मैट्रिक सेंटर परीक्षा की तिथि। जी देखिए बिहार बोर्ड ने मैट्रिक सेंटर परीक्षा 2023 की तिथि जारी कर दी है। मैट्रिक सेंटर परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी। 5 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में सभी छात्रों को शामिल होना अनिवार्य है। वहीं देखिए बोर्ड द्वारा सभी जिला शिक्षक कार्यालय को 4 से 9 नवंबर के बीच प्रश्न पत्र भेजा जाएगा। इससे पहले इंटर सेंटर परीक्षा 11 अक्टूबर से ली गई है। सेंटर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। 17 लाख के लगभग मैट्रिक के परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर में देखिए बिहार में स्मार्ट मीटर की शिकायतें ऑनलाइन दूर की जाएगी। जहाँ देखिए बड़ी खबर, बिहार में लग रहे स्मार्ट मीटर से जुड़ी शिकायतों का निपटारा करने के लिए बिजली कंपनी ने विशेष पहल की है। कंपनी की ओर से विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। ऑटो ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम में उपभोक्ता न केवल शिकायत कर सकेंगे बल्कि उसकी प्रगति पर भी नजर रख सकेंगे। 15 नवंबर तक यह व्यवस्था शुरू हो जाने की उम्मीद है। यह विशेष सॉफ्टवेयर बिहार बिजली पर ऐप पर ही उपलब्ध होगा। बड़ी खबर में देखिए बिहार के 43 स्कूलों में 4 नए ट्रेड में होगी पढ़ाई। यह देखिए राज्य के 43 चयनित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के 4 नए ट्रेडों की पढ़ाई होगी। इन ट्रेडों में टेलीकॉम, ब्यूटी एंड वेलनेस, ऑप्टिकल फाइबर स्पिलर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड HLW और फील्ड टेक्नीशियन अदर होम अप्लायंस शामिल है। वहीं देखिए इनमें से किसी 2 ट्रेडों की पढ़ाई 9वीं और 10वीं के लिए, ऐच्छिक तथा 11वीं और 12वीं के लिए अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई होगी। साथ ही आपको बता दें कि पंडित सुंदर लाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल द्वारा निर्मित ये सभी पाठ्यक्रम है। बड़ी खबर में देखिए बिहार में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में नामांकन का आखिरी मौका, 20% सीटें है खाली। यह देखिए संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पॉलिटेक्निक के खाली पड़े सीटों पर मॉप राउंड के तहत एडमिशन लेने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बोर्ड ने मॉपअप राउंड के लिए एडमिशन तिथि जारी कर दी है। मॉपअप राउंड के लिए बिलिंग से 21 से 31 अक्टूबर तक स्टूडेंट भर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए विस्तृत शेड्यूल 3 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। वहीं काउंसलिंग प्रक्रिया 5 नवंबर से शुरू हो जाएगी। वहीं आपको बता दें कि मॉपअप के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया ऑफलाइन बोर्ड कार्यालय में आयोजित की जाएगी। वहीं बोर्ड ने कहा कि मेरिट के अनुसार स्टूडेंट विलिंगनेस दे सकते हैं। मेगा सूची अपना रोल नंबर व जन्म तिथि डालकर देख सकते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि वैसे अभ्यर्थी जो प्रथम व द्वितीय काउंसलिंग में शामिल होकर किसी संस्थान में नामांकित है और संस्थान ब्रांच में परिवर्तन चाहते हैं वे भी 21 से 31 अक्टूबर तक विलिंगनेस दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।